तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि विंटर्स आ चुके हैं और विंटर्स में हमारा डेली नहाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। हमारा मन करता है कि बस कंबल ओढ़ के सोते रहे। एंड जैसे होता क्या है कि जब हम बाहर जाते हैं बिना नहाए हुए तो हम बिल्कुल भी फ्रेश नहीं दिखते, काफ़ी ज़्यादा अगली दिखते हैं। सो इसीलिए आज मैं भी नहीं नहाया एंड उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको फ्रेश दिख रहा हूँगा। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, हाउ टू लुक फ्रेश एवरी डे एवरी टाइम। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको भी अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ग्रूमिंग लाइफस्टाइल फैशन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो, वहां पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट, मैसी हेयर्स। ये हमें सबसे ज़्यादा विंटर्स में अगली दिखाते हैं और सबसे ज़्यादा हमें आलसी दिखाते हैं, क्योंकि जब हम नहाते नहीं हैं तो हमारे हेयर्स, आपने देखा होगा, सो के उठकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। यही चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा अगली दिखाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंटर्स में आपको अपने हेयर्स के लिए ऑयल आप लगा सकते हो अपने हेयर्स पर, 2 से 3 ड्रॉप अपने हेयर के अकॉर्डिंग, या आप कोई हेयर सीरम भी अपने हेयर्स पर लगा सकते हो एंड उन्हें अच्छे से स्टाइल करें तभी बाहर जाएं, वरना आपके हेयर्स ये दिखा देते हैं कि आप नहीं नहाए हो और आप काफ़ी ज़्यादा अगली वहाँ पर लगते हो, वो आपका पूरा का पूरा लुक ख़राब कर देते हो। सो इसीलिए ये दो चीज़ें ज़रूर ट्राई करें और अपने डेली हेयर स्टाइलिंग रूटीन में इन्हें ऐड कर लें। देन सेकंड पॉइंट, योर फेस। अब वो ठंडी ठंडी सर्दियाँ एंड उसके ऊपर से हमारी नींद जो कि हमें उठने ही नहीं देती, एंड इसकी वजह से जब हम बाहर जाते तो हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा अगली दिखते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा सोए सोए से लगते हैं। सो अपने फेस को फ्रेश रखने के लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपके पास दो चीज़ें ज़रूर से होनी चाहिए। अब नॉर्मल वाटर काम नहीं आएगा यहाँ पर, इसलिए आपके पास एक अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको फेस वॉश कैसे चूज करना है वीडियो बनाया, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। एंड कुछ अच्छे फेस वॉश, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विंटर्स में, क्योंकि आपने देखा होगा हम सो के उठते हैं यहाँ वाइट 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 हमें कभी कभार देखने को मिलता है, मॉइस्चराइजर वो चीज़ें दूर करेगा, प्लस जो ड्राइनेस हमारे फेस पर रहती है वो भी वो खत्म करता है, हमारा फेस खिला खिला दिखता है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट, योर स्मेल। अब हमारी स्मेल बहुत कुछ जज करती है हमारे बारे में, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी स्मेल काफ़ी कुछ जज करवाती है लोगों को हमारे बारे में। सो इसीलिए एक अच्छा सा परफ्यूम आपके पास होना ज़रूरी है, बाहर जाने से पहले ज़रूर वो लगा कर जाएं, परफ्यूम इज़ मस्ट, परफ्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाहर निकलने से पहले ज़रूर उसे यूज़ करें, उसके बाद बाहर जाए ताकि आपकी सुगंध लोगों तक पहुंचे और आप महक पाए। देन फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट जो कि आपको अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करनी है, वो क्या है कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर आपको पानी पीना है, नॉर्मल वाटर आप पीना, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह भी अच्छा होगा। बहुत सारे फायदे वो मैं बता नहीं सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना, बहुत सारे फायदे। सो सबसे पहला काम आपको ये करना है, उसके बाद कोशिश करें कि थोड़ा स्ट्रेचिंग करने की, थोड़ा वार्म अप करने की, जैसे कि अपने उंगलियां ये ऐसे 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 सब अपने सारे जितने भी जॉइंट है सभी को स्ट्रेच करें। अब इससे होगा क्या, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों से काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिखोगे, एक्टिव दिखोगे। सो ये चीज़ अपने मॉर्निंग में ज़रूर से ऐड करें, बहुत सारे फायदे हैं, जब करना शुरू करोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। सो बस गाइस, इतने था आज की वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।